दोस्तों आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेवल्स राजन अधिकारी के साथ, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन जो नार्जो फ़ोन है, रियलमी का नार्जो फ़ोन, उस फ़ोन को आप कैसे रीसेट कर सकते हैं। इस रीसेट करने के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और मोबाइल हैंग मारने लग जाता है, और मोबाइल जैसे एक बार हैंग मारने लग गया तो फिर आपको मोबाइल या बेचे या उसको फेंक दे या क्या करे, ऐसा एक टेंशन वाली बात हो जाती। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपको रीसेट कैसे करना है रियलमी नार्जो का। सारे फ़ोन में ऐसा ही सेटिंग होता है, नार्जो के जितने भी मोबाइल वेराइटीज़ है, मोबाइल वेरियंट्स है, सारे फ़ोन में यही सेटिंग होता है। तो इस सेटिंग को फॉलो करके आप रियलमी नार्जो मोबाइल को आप रीसेट कर सकते हो। इस रीसेट के बारे में चलिए हम जानते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हैं हम वीडियो की तरफ, और वीडियो में बताएंगे आपको रियलमी नार्जो कैसे रीसेट करना है। दोस्तों आज आपको मैं रियलमी, ये यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी नार्जो 50, इसको मैं रीसेट करने वाला हूँ। अभी डाटा रीसेट कैसे करें, इसका रीसेट करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो डाटा रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, डाटा रीसेट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में। ये नार्जो का सेटिंग्स है, और फैक्टरी रीसेट करने के लिए आपको बहुत दिक्कत आता है, तो आज की वीडियो में आपको इसका सलूशन मिलेगा। वीडियो सही लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, आपको ब्राइटनेस में थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने को मिल जाए कि सही क्या है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सेटिंग्स, सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको आपको शुरुआत से दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेगा मोबाइल में, हर कोई मोबाइल में सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सिस्टम सेटिंग पर जाना है, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ मैं, सिस्टम सेटिंग पर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने सिस्टम सेटिंग खोल लिया। आप खोलने के बाद इसको यहाँ पर एक यहाँ पर आप देख लीजिए रीसेट ऑप्शन है, ये वाला रीसेट ऑप्शन है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खोल के आएगा। तो रीसेट मोबाइल रीसेट करने के लिए आपको पूरा यहाँ पर फैक्टरी ऑल, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ, और यहाँ पर रीसेट ऐप प्रेफरेंस, और रीसेट ऑल डाटा फैक्टरी रीसेट। ये ऑल डाटा फैक्टरी रीसेट पर आपको क्लिक करना है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को आएगा। लेकिन इससे पहले आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आप दूसरे मोबाइल पर शिफ्ट करके रखें, या तो कोई पेन ड्राइव या कंप्यूटर पर आप शिफ्ट करके रखें, क्योंकि इसमें अभी कुछ नहीं बचने वाला। ये बिल्कुल आपने नया ख़रीदा इस तरीके का हो जाएगा फ़ोन। तो इसीलिए आपको ये करने से पहले ये प्रावधान लेना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, फोटोज़, वीडियोज़ आप दूसरे मोबाइल पर आप शिफ्ट कर लें। सबसे पहले यहाँ पर इरास ऑल डाटा यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए पिन मांगेगा, जो भी आपने मोबाइल पर पिन दिया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पिन दे देता हूँ, और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है इरास ऑल डाटा, ऑल योर परमानेंट डाउनलोड एप्स विल बी डिलीटेड, यू कैन अंडू दिस, यू कैन नॉट अंडू, मतलब यानी कि आपको वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हैं इरास ऑल डाटा पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का रियलमी का पूरा क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने से आपको यहाँ पर फिर ये ऑटोमेटिक खुल के आएगा कि मोबाइल देखिए ऑटोमेटिक ऑन हो गया। आप ऑन होने के बाद यहाँ पर ये रीसेट होना चालू हो गया है, पूरा यहाँ पर रीसेट हो जाएगा ये मोबाइल। देख लेते हैं आप यहाँ पर कितना टाइम लग जाता है। मोबाइल को रीसेट करने से पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिया, अपना कॉन्टैक्ट्स जो भी मोबाइल पर है, और पहले सिम निकाल ले, सिम निकाला हुआ है हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम निकाला है, ये देखिए सिम ट्रे नहीं है यहाँ पर। सिम निकालने के बाद और जो भी सिम निकाल लो लीजिए पहले, उसके बाद में कॉन्टैक्ट्स रहते हैं मोबाइल पर भी, कोई कोई सिम में सेव नहीं होते हैं, मोबाइल पर सेव होते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट्स आपका इमेजेस और आपका वीडियोस दूसरे मोबाइल पर शिफ्ट कर लेना है, उसके बाद ही ये बटन को आप दबाएं। अभी आप रियलमी का देख लेते हैं कितना टाइम ले लेता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आ गया, जैसे सबसे पहले आपने मोबाइल लिया था, मैंने ऑन कर देता हूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आया तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश ऑलरेडी है यहाँ पर, तो कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे
आई हैव रीड एंड एग्री ऑल इन्फॉर्मेशन, इसको सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास वाईफाई वगैरह है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए, ठीक है। तो इस तरह मोबाइल को एक्सेप्ट कर लेना है सारा टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद में आप चाहे तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं इसे, ठीक है। डन कर दिया, अब ये पूरा खुल के आ गया, देख सकते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर लेना है, देखिए मोबाइल बिल्कुल नया की तरह है। जो भी आपका ऐप इंस्टॉल था पहले वो उठ गया है और यहाँ पर आपको फ्रेश मोबाइल की तरह लगने लगा। इस तरह आप